कम टाइम में प्ले रिकॉर्ड हो गया था। शाहरुख खान वाह जब भी आप रेडी हैं तो मैं हम रेडी हैं। बहुत बहुत मुबारक इच्छा करती परछाइयाँ आप जो अब हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। मैंने मुझे जितना कुछ दिखाया गया बहुत ही ब्यूटीफुल देखा है। तो अब ये डिजिटल पे आ रहा है ये जो टाटा थिएटर ने ये जो दिया है हम डिजिटल पे करेंगे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अब डिजिटल पे हम कभी भी थिएटर देख सकते हैं आपका प्ले देख सकते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पीछा करती परछाइयाँ जो अब डिजिटल पे आ रहा है जी। कम शब्दों में पहले मैं शुरुआत कर देती हूँ। ये कभी सोचा नहीं था कि थिएटर की ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आएगा कि थिएटर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएगा और उसको एक भारी संख्या में लोग आसानी से देख सकेंगे। इसके पहले हमें बहुत डर था। एक तो हमारी विचारधारा कह लीजिए पारंपरिक विचारधारा या संकुचित विचारधारा या अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कि आदमी स्क्रिप्ट भी नहीं चाहता है कि पब्लिकली कहीं जाए कि वो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। तो ये कितना प्रेशियस बेबी है हमारा पीछा करती परछाइयाँ नाटक जिसको कि जिसका मैंने अनुवाद किया उसके बाद के जी के निर्देशन में हमने बहुत मेहनत करके हेनरी गिब्सन के नाटक को ज़िंदा किया। तो बहुत डर लग रहा था कि अगर इसको एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने प्यारे बच्चे को आपने किसी अमीर की गोद में डाल दिया और बच्चा जो है वो खो गया ऐसे गुमनाम लोगों के हाथों में। ये डर हमें काफ़ी रोके हुए था। फिर एक बार आकर के उनके लाख समझाने के बाद हम समझने की कोशिश करी और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि थिएटर को ये कहीं उसकी आत्मा को नहीं मारेंगे। जितना एक पहली पंक्ति का दर्शक होता है उतना डिस्टेंस रख के हमारे लिए वो थिएटर था। टेक्निकल सपोर्ट इनका है कि वो इसको कैसे लेके जा रहे हैं। इन्होंने ना हमें बीच में रोका न टोका न क्लोजअप गए न कुछ किया। अब उससे हमारी समझ में ये आया कि जो हज़ारों की जो जनता जो महरूम थी जो हमारे पास नहीं आ सकती थी क्योंकि जिनके अंदर ये कीड़ा अभी आया नहीं कि रंगमंच देखना कितना ज़रूरी है उन तक जब ये पहुँचेगा तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारा ना सही उन लोगों का जिन्होंने इस परंपरा को देखा नहीं था कि थिएटर किसको कहते हैं थिएटर कितनी सशक्त एक विधा है। तो आई थिंक ये जी थिएटर ने जो एक जीवित विधा को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टाटा प्ले पे लाएंगे और इस पे कौन सा है वो डिश पे लाएंगे और एयरटेल पे लाएंगे तो इससे या कितने लोग देखेंगे। तो अब हम बहुत खुश हैं क्योंकि एट द एंड कलाकार पैसे से भी ज़्यादा रंगमंच का कलाकार दर्शक चाहता है और दर्शक तक उनकी बात पहुंच जाए तो वो लाख टके की बात होती है। सो वेरी हैप्पी नाउ यू कैन सी। या मतलब जैसे इला जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है कि एक लाइव एक्सपीरियंस का अनुभव तो लाइव एक्सपीरियंस ही है वो तो हमेशा रहेगा। तो इसलिए हमको घबराहट नहीं थी क्योंकि कहीं ऐसा डिजिटल पे आ गया तो हमारे नाटक का क्या होगा स्टेज का क्या होगा ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि इससे फ़ायदा ये है जो हमको समझ में आया कि डिजिटल पे जाएगा तो लोगों को कम से कम लोगों को नाटक के बारे में पता चलेगा कि थिएटर भी कोई विधा है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये ऑडियंस को थिएटर में लाएगा ज़रूर क्योंकि देखिए उसके रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद भी ये एक मतलब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है। आप टीवी पे देखते हैं कोई भी चीज़ है वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये एक्सपीरियंस ये जो मतलब इन्होंने जो पहल की है इस बात की इससे थिएटर को पॉपुलर होने में बहुत मदद हो जाएगी। और पॉपुलर जब थिएटर होगा तो जब हम यही नाटक स्टेज पर दोबारा करेंगे तो मुझे लगता है और लोग आएंगे देखने के लिए कि अगर उनको ये नाटक यहाँ पर पसंद आया तो फिर ये सोचेंगे कि ज़रा रियल टाइम में देखें कि सामने एक्टर को देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो मैं इसको एक नेगेटिव नहीं मानता हूँ इसको एक पॉजिटिव मानता हूँ मैं क्योंकि थिएटर का सबसे बड़ा हमारे पास
पब्लिसिटी का उतना परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं होता, उतना पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है थिएटर में कि थिएटर हम मूव नहीं कर सकते ज़्यादा। हमने बॉम्बे में किया, 10 शो किए 15 शो किए 20 शो किए, उसके बाद बंद बंद। एट द मोस्ट अगर कोई लकी रहे, स्पॉन्सर मिला, दिल्ली तक गए, कलकत्ता तक गए, 50 शो कर ली, कलकत्ता तक गए, या मतलब जयपुर तक गए, जो बिग सिटीज में हम जा सकते हैं। छोटे शहरों में जाना अभी भी मुश्किल है, बिकॉज लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है कि मतलब कौन पैसा देगा, कौन स्पॉन्सर करेगा, क्या करेगा। तो क्या होता है कि जो कुछ आप काम करते हैं वो लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच जाता है। तो ये जो इनिशिएटिव इन्होंने किया है, इससे क्या होगा कि जो हमने किया काम वो लोगों तक पहुंचेगा। लोग जब इसको देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर शहर में जहां भी जिस तरह का नाटक होता है, लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि वो नाटक देखने आएंगे स्टेज में। तो जब नाटक देखने आएंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, थिएटर परिपक्व हो जाएगा और उनको एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी। इस भरोसे से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम है जो कि डिजिटल पे आ रहा है प्ले। जो स्टोरी है दिखाई गई इसमें, हालांकि सबको पता है लेकिन कहीं ना कहीं टफ रहता है उसे इस प्रकार दर्शाना लोगों के सामने कि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। काफ़ी कुछ मैसेज भी दिया जा रहा है, तो जो स्क्रीन राइटिंग था आप लोगों के लिए, अडेप्टेशन लाना किसी और का, तो वो कितना टफ था, कितना चैलेंजिंग था? मैं इसका जवाब दे सकती हूँ क्योंकि मैंने अडेप्टेशन किया। स्क्रीन को तो भूल जाइए, स्क्रीन के लिए नहीं लिखा गया था, ये थिएटर के लिए लिखा गया था। तो किसी के मूल काम को ट्रांसलेट करना एक अलग चीज़ होती है और उसे अडेप्ट करना एक अलग चीज़ होती है, और वो एक आर्ट होता है कि आप उसे इतनी खूबसूरती से किसी के बच्चे को गोद ले रहे हैं तो ऐसा लें कि बाद में वो आपका अपना लगे। अगर वो आपको अपना नहीं लगेगा तो ट्रांसलेशन कहलाएगा, वैसी पोशाकें पहन रही है, वो भाषा है। तो इसकी मानसिकता को, इसकी ज्योग्राफिकली, मेंटली, भाषा वाइज, कॉस्ट्यूम वाइज, इसको पूरा ढालना पड़ता है, और वो स्क्रिप्ट के लेवल से ही काम शुरू हो जाता है। तो जब मैंने इसको राजस्थान में सोचा, ये कहीं भी हो सकता था, ये किसी मुस्लिम नवाबी फैमिली में भी हो सकता था, क्योंकि तबका जो है वो रिचर तबका है। पर मैंने राजस्थान को इसलिए चुना क्योंकि मैं राजस्थान को बेहतरीन जानती हूँ, और उसकी कॉमन मैन से लेके और रॉयल्टी तक के सारे लोगों का करीबी मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो उनको लेकर के, और एडेप्टेशन में थोड़ी गुंजाइश होती है कि उनके माध्यम से आप अपनी बात कह दें। एट द एंड मैंने क्यों चुना कि मुझे अपनी औरत को ये सब्जेक्ट दिखाना है, उसकी बात को इनके माध्यम से कहना है। हमारी औरत तो राजस्थान की है, हिंदुस्तान की है, उसको आपको कहना है। सो आई हैव अ फीलिंग के वो काम हमने बहुत ही मन से किया, सफलता से किया, और ऐसा किया कि जब ये राजस्थान प्ले गया तब लोगों को लगा कि जैसे उनकी खुद की कहानी है, जबकि उनकी कहानी नहीं थी, उनके माहौल में ढाली गई थी कहानी, तो हेनरी गिब्सन की है। सो दैट इज़ एडेप्टेशन की क्वालिटी। और रंगमंच के लिए तो बहुत ही अच्छा था, पर टेलीविज़न में जब आप इसको देखेंगे तो शायद सोने में सुहागा हो गया, ऐसा मुझे लगता है। कितना चैलेंज हो गया आप लोगों के लिए थिएटर प्ले करना, ये ऐसा कहने का मतलब है मैडम का, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लेक्सेस है तो वहाँ पर। मैं समझ रहा हूँ सवाल इनका, मैं समझ गया। इसे देखिए, थिएटर तो हमेशा चैलेंज रहा है, ये आज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने जब शुरू किया था नाटक, मुझे याद है, इलाजी का मुझे याद आया, जब हमने यहाँ पर इकट्ठे काम करना शुरू किया, हमने एक प्ले किया जायज़ ना जायज़, वो अल्बर्ट कामू का प्ले था, मतलब द जस्ट असैसिन, टेररिज्म पर बेस्ड था। तो मैं कश्मीर से हूँ, उन दिनों टेररिज्म की मतलब वो सब चीज़ें शुरू हो गई थी कश्मीर में, तो हमको लगा बहुत रेलिवेंट है ये नाटक करना, इससे कुछ मैसेज हम ऑडियंस तक को दे दें। तो उस वक्त जब हम पहला शो नहीं किया था, हमारे ऑडियंस में 7 लोग थे, पृथ्वी में 200 की कैपेसिटी है, और ऑडियंस में पहला हमारा शो देखा तो 7 ही लोग थे। तो चैलेंज तो हमेशा थिएटर में हमेशा चैलेंज रहा है कि ऑडियंस को कैसे लाएं। लेकिन 40 साल की इस यात्रा में अब मैं ये आपको मतलब कह सकता हूँ विद सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड प्राउड कि आज जब हम 25 तारीख को जब हम नाटक कर रहे हैं, दूसरा नाटक है ये रास्ते हैं प्यार के,
तो अभी से टिकटें बिक चुकी हैं, ऑलरेडी 100-150 टिकटें बिक चुकी हैं 250 का ऑडिटोरियम में। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस यात्रा में वो कंसिस्टेंटली काम करने में, उस चैलेंज को बर्दाश्त करने में, उसको चैलेंज को हेड ऑन लेने से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि थिएटर का और फिल्म का कोई कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा, थिएटर एक अलग मीडियम है, अलग ग्रामर है, और सिनेमा एक अलग ग्रामर है। मतलब मैं खुद जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बड़े स्क्रीन पर ही देखना पसंद करूँगा, वो मुझे थिएटर में शायद उतनी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये समझ ऑडियंस को है, ऐसी बात नहीं, ऑडियंस को हम इतना कच्चा भी ना माने, लेकिन थिएटर चैलेंजिंग रहा है। थिएटर एक स्पेशल चीज़ है। मैं वही बात कहना चाहता है कि थिएटर जो चैलेंज रहा है हमेशा थिएटर करना, क्यों कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, थिएटर जो है, थिएटर इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। मतलब फिल्म में आप एक मतलब मामूली सा टॉपिक लेके लोगों को हंसा सकते हैं और चले गए, उन्होंने हंस लिया और चले गए, लेकिन थिएटर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि थिएटर का पर्पस है क्वेश्चन करना, वी रेज क्वेश्चन, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करना, सो दैट्स वाई इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। इसलिए थिएटर थोड़ा सा उसको थोड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा आपको। फिल्म में आप जाते हैं, फिल्मों में ऐसा नहीं कि फिल्मों में बड़ा अच्छी फिल्में नहीं बनी है, टॉपिकल मतलब बहुत ही लिटरली फिल्में नहीं बनी है, बहुत अच्छे टॉपिक्स को लेकर फिल्म नहीं बनी है, लेकिन थिएटर हमेशा क्वेश्चन करता है, सोसाइटी को देखता है। कहते हैं कि थिएटर जो है वो मतलब सोसाइटी का आईना है, जो सोसाइटी में हो रहा है उसी को दर्शाने की कोशिश करता है। तो इसलिए थिएटर एंटरटेनमेंट के अलावा चूंकि ये एक क्वेश्चनिंग करता है, क्योंकि ये समाज को उनकी गलत नीतियों पे, जैसे हमारे प्ले में गलत रीतियों पर जो डेकेडेंट वैल्यूज़ है उनको क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो जो यशोधरा भाई साहब हमारे प्ले पीछा करती परछाई में कहती हैं, ये सिर्फ थिएटर में पॉसिबल हो सकता है। थिएटर में ये इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि उसकी भी एक नीच ऑडियंस होती है। थिएटर एक्चुअली वही देखता है जिसको लिटरेचर से लगाव है, जिसको स्टोरी टेलिंग से लगाव है, जिसको अच्छी एक्टिंग से लगाव है, वही लोग थिएटर में आते हैं। और ये किस्सा ऑल ओवर वर्ल्ड बदला नहीं है, ये ऐसा ही है, वही लोग, देर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल हु लाइक टू वॉच थिएटर। इट इज जस्ट लाइक किस पेंटिंग है, क्लासिकल म्यूजिक, जैसे क्लासिकल पेंटिंग है। अब पेंटिंग आप एग्जीबिशन हर एक आदमी पेंटिंग एग्जीबिशन देखने थोड़ी जाता है, सारे लोग तो कभी नहीं, क्यों उनको समझ नहीं आएगी बात, लेकिन अगर कोशिश करेंगे हम देखने की, देखिए जैसे हम जाते हैं देखने के लिए कि हमको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हमको पेंटिंग कैसे हेल्प करती है, बिकॉज जब मैं सेट डिज़ाइन करता हूँ प्ले का या इलाजी सोचते हैं कुछ, तो हमको वो कलर्स, उन कलर्स का कॉम्बिनेशन, उसका जो उस जो हमने देखा है उसका एक्चुअल मीनिंग भले ही मुझे समझ ना आया उस वक्त, लेकिन वो मुझे हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं वो हम रिलेट कर सकते हैं। तो आम आदमी को मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मतलब हुसैन साहब की जा पेंटिंग जाके देखे और फिर उसको इलस्ट्रेट करे, बहुत मुश्किल काम है। तो हर एक चीज़ के लिए नहीं होता है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है तो हर एक आदमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनता नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि क्लासिकल का की ऑडियंस नहीं, लोग आके बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और इसके दूसरे शब्द में ये भी कहूँगी जो शायद आप कहना चाह रही थी कि यंगर लोग, आपको सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे थिएटर को बहुत यंगर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सबके थिएटर को, क्यों कि वो इसको फिल्म तक पहुंचने की सीढ़ी मानते हैं, दूसरे का प्ले कभी नहीं देखते हैं, अपना जो प्ले उनको मौका मिला वो चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो जाए। सो थिएटर के प्रति एक जो रुझान है वो यंगर जनरेशन का है ही नहीं, वो सिर्फ इसको एक सीढ़ी मान के आते हैं। मैं थिएटर जो कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, ये तब विकसित होगा जब वो दूसरे का भी नाटक देखें, किसी और का देखें, उसको समझें। हमारे ज़माने में हम सिर्फ थिएटर देखते थे, इतनी खिड़कियां नहीं थी एंटरटेनमेंट की, अब इतनी एंटरटेनमेंट की खिड़कियां हैं और सब स्टार बनना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में मनोरंजन भी बहुत अच्छी तरह से परोसा जा रहा है, अच्छा बढ़िया गंदा सब कुछ। इट्स जस्ट लाइक वो पैन एशिया फूड, कुछ भी खा लो, नूडल भी खा लो, दाल बाटी भी खा लो, बट थिएटर इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी जस्ट लाइक गोल्फ, दुनिया क्रिकेट करती है ना, क्योंकि वो अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, बॉलीवुड भी बहुत पॉपुलर, गोल्फ खेलने वाला एक सेक्शन होता है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ट्रेजेडी हो, पर थिएटर की समझ जिसको लग जाती है, मराठी थिएटर बहुत सशक्त है, गुजराती थिएटर, एक बार अगर लाइकिंग बन गई उनकी तो दुनिया का कोई आदमी उनको रोकेगा नहीं। साउथ में भी कल्चर है बहुत,
इसका इसका मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि बिकॉज आप बॉम्बे में हैं और बॉम्बे की कहानी में बताऊंगा आपको कि हम नॉर्मली नाटक करते हैं पृथ्वी थिएटर में, बिकॉज हिंदी का हिंदी के ऑडियंस पृथ्वी थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में हम नाटक करते हैं और वहाँ पर एक कैफ़े चल रहा है साथ में, आप सब गए होंगे पृथ्वी में, और वहाँ पर यंग जनरेशन के लोग बैठे होते हैं पृथ्वी कैफे में। मैंने कई बार उनसे कहा कि यार एक बार अंदर तो आओ, वो नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पृथ्वी थिएटर इज एलियन टू देम एंड दे हैव नो कनेक्शन विद दैट, दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद दैट बिकॉज अब मेरा ये मतलब मैं यही कह सकता हूँ उनको एक बार तो आ जाओ, एक बार आ जाओ और देख लो क्या होता है उसमें, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन बर्गर वो जो वहाँ पर चल रहा है वो खा रहे हैं वो सब। तो मुझे ये लग रहा है कि जब तक देखिए ये जो है कि वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर की ऑडियंस बढ़ी है, थिएटर में लोग आने लगे हैं, थिएटर के टिकट जो 10 रुपये कोई नहीं लेता था आज 500 रुपये के टिकट लेते हैं, थिएटर इज इन प्रोग्रेशन बट इट इज चैलेंजिंग, डेफिनेटली चैलेंजिंग। कमिंग टू OTT एंड कमिंग टू दिस डिश एयरटेल एंड डिश एंड टाटा प्ले इज़ ए फर्दर वन मोर स्टेप कि जहाँ थिएटर जा रहा है, और मुझे लगता है कि इनका जो ये प्रयास है इससे थिएटर और पॉपुलर होगा। नई चीज़ों को एक बार शुरुआत करनी पड़ती, फिर लोगों को चस्का लग जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी आपके माध्यम से कि लोगों को आना चाहिए और जी थिएटर का जो प्रयास है नाटकों को एक नया रंगमंच छोटे पर्दे पर देने का, उसको सफल बनाने के लिए दे मस्ट वॉच हमारा पीछा करती परछाइयां। Anything else? किरण पूछना चाहेंगे, आप दोनों कहीं वहाँ से वाइंड अप हो रहा, सॉरी बोलिए, इनको देखते नहीं, सॉरी। अच्छा है ना, नहीं बोल बोलिए बोलिए। आप दोनों कई साल से काम कर रहे हो, आप कई मतलब एक साथ भी प्रोजेक्ट कर चुके हो, तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे पहले प्रीवियसली वर्क को लेकर या फिर एक दूसरे की परछाइयां? हम एक दूसरे की परछाई नहीं, हम इतना साथ चलते हैं, हम सात्विक रूप है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, परछाई नहीं होती तो फिर हम पकड़ नहीं पाते एक दूसरे को, तो परछाई तो कभी पकड़ नहीं पाते, किसी के शैडो में पल नहीं रहे, हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, हम साथ चल रहे हैं, और अगर वो ज्ञान का जो सूरज है उससे अगर कोई शैडो है तो वो उस शैडो पे आने वाली यंगर जनरेशन चले। और जहाँ तक है कि टचवुड इसके बाद जाके KK जी को एक मिर्ची पहनाऊंगी, खुद एक नींबू पूरा पी जाऊंगी कि लोग ये कह रहे हैं कि 40 साल से दोस्ती कैसे टिकी हुई है, क्रिएटिव दोस्ती। तो उसके लिए क्या है कि ये तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत ग्रुप बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी टूटते हैं, और अभी तक ईश्वर का ये रहा कि हमारा फोकस जो है ना वो है रंगमंच क्रिएशन, तो हम उससे अलग हट के अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, तो क्लैश नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमारा वैचारिक क्रिएटिव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वी कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर ऑन दैट, बट द फैक्ट इज देखिए वर्ल्ड में देयर आर सम स्पेशल पीपल आल्सो एंड वी आर द टू स्पेशल पीपल इन द वर्ल्ड हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर 40 इयर्स, इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी, ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड व्हाट वी आर हैप्पी टुडे इज दैट वी हैव डन व्हाट वी वांटेड टू डू, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस बारे में, जो नाटक हमको पसंद है जिस तरह का नाटक हम करना चाहते हैं उसमें हमने ये कभी नहीं सोचा कि इसमें कॉमेडी डालो वो डालो ये डालो यार मलफूहड़ किस्म के जोक डाल दो किंग ताकि ऑडियंस आए, ऐसा हमने कभी किया नहीं, और हम जल्दबाजी में भी नहीं, आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। और मतलब जाने से पहले मैं वंस अगेन मैं जी थिएटर को और इन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग बहुत बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर को वो और भी लोगों के सामने पहुंचाए, और मुझे पूरा यकीन है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑडियंस को जो हमको सुन रहे हैं कि आप ये नाटक देख लीजिए और हमारे साथ साथ जी थिएटर को आप भी एनकरेज कीजिए, क्योंकि वो जब आप उनको एनकरेज करेंगे, जब आप उनके प्लेस देखेंगे तभी वो हमें एनकरेज करेंगे, इसलिए ये मतलब एक चेन बना हुआ है, इस चेन को बनाए रखिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप यू लाइक आवर प्ले and we will come again and we'll do some more plays with Zee Theatre and three and cheers for Henry Gibson and three cheers for Ibsen and three cheers for Elijah and Pichakarti Parchaiyan. Thank you, thanks.